सभी लोगों को जय जिनेंद्र। आज हमने जो सम्यक शिखर जी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके बारे में हमने मीटिंग की है, और मीटिंग में पूरे बेंगलुरु जैन समाज के सभी पंथ के सभी श्वेतांबर दिगम सभी ने मिलकर एक मीटिंग ली है। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है सम्यक शिखर जी में, उसके खिलाफ अपने प्राइम मिनिस्टर जी को और नेशनल और स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को पत्र लिखे, उसके साथ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखे। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो भी एंक्रोचमेंट हो रहा है, इसके बाद सम्यक शिखर जी में नहीं होना चाहिए। जैन समाज का एक अस्तित्व और स्वाभिमान का क्षेत्र है वो। हमारा 24 में से 20 तीर्थंकर मोक्ष का स्थान है वो, उसको बचाना सभी जैनों का जिम्मेदारी है। किसी भी हालत में सम्यक शिखर जी में गिरना जैसा हालत नहीं बनना चाहिए। अभी देखे गिरनार जी में क्या हुआ, पूरा तीर्थ क्षेत्र जैनों से हाथों से निकलते जा रहे। अगर गिरनार जैसे हालात सम्यक शिखर जी में बन गए तो अपने हाथ से सम्यक शिखर जी चला जाएगा। इसलिए पूरा देश के जैन समाज इसके लिए खड़ा होना चाहिए। और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुकता है और कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चालू रहेगा तो कर्नाटक से हर घर से एक आदमी शिखर जी के लिए चलेगा। पूरा कर्नाटक से करीबन 35 से 40 हजार लोग शिखर जी के लिए निकलेंगे। और देश के जितने भी जैन समाज के साधु संत है, सभी लोगों का जिम्मेदारी है शिखर जी को बचाने के लिए, क्योंकि अपना कोई नहीं है। हमारा क्षेत्र के लिए हमको ही लड़ना है, कोई आके हमको बचाने वाला नहीं है। अभी गिरनार का क्या हाल हो गया, हमारा कोई बात नहीं सुन रहा है। पॉलिटिशियन तो हमारे बात कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। इसलिए जो भी सम्यक शिखर जी का क्षेत्र बचाना सभी लोगों का जिम्मेदारी है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुकते है तो हम सब लोग सम्यक शिखर जी और कुछ करेंगे, और देश के जितने भी जैन समाज के साधु संत है वो भी सम्यक शिखर जी को बचाने के लिए सम्यक शिखर जी को पुश करना चाहिए। अगर सम्यक शिखर जी का इश्यू एक या दो महीने में सॉल्व नहीं होती है तो ये सब हमारा जिम्मेदारी है। जागो जैनो जागो, बचाओ सम्यक शिखर जी। जागो जैनो जागो, बचाओ सम्यक शिखर जी। जागो जैनो जागो, बचाओ सम्यक शिखर जी। जागो जैनो जाओ, बचाओ सम्यक शिखर जी। जागो जैनो जागो, बचाओ सम्यक शिखर जी।